सुर तो सब ऐसे देखने लगे, कितनी सुंदर है ये। सब ऐसे देख ही रहे थे कि एक असुर आके बोला, देवी जी आपका परिचय जान सकते हैं, आप कौन हैं? भगवान बोले, मेरी जन्म कुंडली निकालने वाले आप कौन हैं? आपको मैं क्यों बताऊं मैं कौन हूं? असुरों को थोड़े बेइज्जती महसूस हुई। असुरों ने कहा, नहीं नहीं हम भी बड़े बाप के बेटा हैं, कश्यप ऋषि के संतान हैं हम ऐसे वैसे नहीं खानदान के हैं, इसलिए पूछ लिया आपसे। ठाकुर जी बोले, अच्छा। इतने में भगवान बोले कि आपके हाथ में ये क्या है? बोले, ये तो अमृत का कलश है। अच्छा हुआ, भले हुआ आप आ गई, चलिए आपको देखते जाएंगे और आपके हाथों से ये पिएंगे तो कितना आनंद आएगा, आप ही बांट दीजिए। भगवान बोले, हम तो सोच रहे थे कि तुम बुद्धिमान पिता के संतान हो, लेकिन तुम तो निरा मूर्ख हो। असुरों को फिर बुरा लगा, कैसी बातें कर रही हैं आप? बोले, तुमने एक अनजान स्त्री पे ऐसे ही भरोसा कर लिया? ठाकुर जी बताते भी जा रहे हैं, कह रहे अनजान स्त्री पे ऐसे ही भरोसा कर लिया। तुम्हें अगर तुम इतने महान कश्यप ऋषि के संतान हो तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि किसी पे ऐसे भरोसा मत करो। असुर बोले, नहीं अब तो हमें पक्का भरोसा हो गया, अब तो ये अमृत आप ही बांटेंगे हम सबके बीच में, और कोई होता तो कहता पहले मैं पीऊंगी। तो ठाकुर जी को अमृत कलश पकड़ा दिया। तो भगवान बोले, देखो एक बात है, मुझसे झगड़ा मत करना, मैं किसी को कम किसी को ज्यादा हो जाए तो मुझसे मत झगड़ना। बोले, ना ना आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। ठाकुर जी तैयार हो गए। इतने में बोले, सब लाइन लगा के बैठ जाओ। अब ठाकुर जी की चाल देखिए, कैसे हैं ये नटवर लाल, बहुत धोखा देते हैं, कोई पहचान नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा, लाइन लगा के बैठ जाओ, और घड़े की तरफ ऐसे अंदर झांकने लगे। तो असुरों ने पूछा, क्या झांक रही है देवी जी, जल्दी से पिलाइए। बोले, ऊपर तो पानी पानी दिख रहा है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो क्या करूं। इतनी चर्चा चली रही थी कि देवता आ गए। तो मोहिनी भगवान ने पूछा, ये कौन है? असुर बोले, ये ही तो हमारे भाई हैं, जल्दी से हमें पिलाइए, नहीं तो ये ले लेंगे। ठाकुर जी बोले, मोहिनी भगवान बोले, क्यों ना एक काम करे, इनकी भी लाइन लगवा दे और ऊपर ऊपर का पानी इनको पिला दे, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो आप लोग पी लो, और बेमानी भी नहीं होगी, न्यायप्रिय बात है, उन्होंने आपके साथ समुद्र मंथन किया है तो आप बेईमान भी नहीं कहलाओगे कि आपने अन्याय किया है उनके साथ। असुरों ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, ठीक है। लाइन लग गई। अब पहले ठाकुर जी देवताओं को पिलाने लगे। एक राक्षस स्वर भानु नाम का, उसको कुछ दाल में काला लगा। अच्छा देखिए, एक घटना यहाँ पे और घट गई। अमृत के लालच में सूर्य और चंद्र अपनी अपनी जगह भी भूल गए। कभी सूर्य चंद्र साथ में नहीं बैठते हैं। आप ग्रह में देखिए, ग्रह जब बनाए सूर्य चंद्र साथ नहीं होते, अमृत के लालच में साथ में बैठ गए, और इन्हीं के बीच में वो स्वर्भानु राक्षस भी बैठ गया। ठाकुर जी देखते तो असुरों की तरफ जा रहे हैं और पिलाते जा रहे हैं इधर, ताकि असुर उनके उसमें बंधे रहे मोहपाश में, और पिलाते पिलाते उस स्वर्भानु के भी हाथ में अमृत आ गया और वो भी पी गया। और जैसे ही पी गया, तब तक सूर्य और चंद्र ने इशारा कर दिया, गलत पार्टी है महाराज। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि अरे, तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जो राहु और केतु में परिवर्तित हो गया। और आज भी ये राहु केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र को ग्रस्त है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट आउट किया था, इन्होंने बता दिया था कि ये है। तो आज भी ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो महाराज, इस प्रकार से ठाकुर जी ने जब ऐसा किया, तो जब तक ये हुआ,
सब कहने लगे सुदर्शन चक्र से काटा और भगवान मोहिनी गायब। जब तक असुर देख पाते कहते अरे वो कितकू गई देवी जी, वो सुंदर वाली देवी जी कहाँ गई, सब ढूंढो वो अमृत कलश भी ले गई, हमारा तो नंबर ही नहीं आ पाया, कितको गई। किसी ने बोला वो कौन थी, कौन थी, कोई जानता है उनको। एक बोला वो थी नहीं, वो था, वो छलिया था, ये विष्णु उसका काम है, वो थी नहीं। अब सब देवता अमृत पी चुके थे, चढ़ाई हुई, देवता जीत गए और असुर फिर से सब मृतक प्राय मर गए। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से फिर से असुरों को जगाया, फिर से प्राण दिया और उनसे कहा कि अब तुम, अगर तुम्हें वो इंद्र की सिंहासन को चाहिए इंद्र का, तो तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, ये विष्णु ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त है, अगर ब्राह्मण प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे तो विष्णु कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा शुक्राचार्य जी ने। तो जब शुक्राचार्य जी ने ऐसा बोला तो सभी दैत्य और उनके राजा बलि इन्होंने खूब ब्राह्मणों की सेवा पूजा, और ब्राह्मण तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, महाराज को मालपुआ छना दो, समय से खिला पिला दो, दक्षिणा दे दो, प्रसन्न, खूब सेवा करी ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मणों ने एक तपोमय रथ का निर्माण किया और वो राजा बलि को दे दिया कि जाओ इस रथ पे बैठकर तुम किसी से भी युद्ध करोगे, कोई तुम्हें हरा भी नहीं पाएगा, कोई भी आ जाए तुम्हारे सामने। राजा बलि ने उसी तपोमय रथ पे बैठकर चढ़ाई कर दी और उधर देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि राजा बलि ऐसे रथ पे है जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना है, बोले देवताओं से भागो, अब राजा बलि का कोई सामना नहीं कर सकता, अब छोड़ के भागना पड़ेगा इंद्रलोक। और सारे देवता भाग लिए और राजा बलि आके सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर सीट पक्की करनी है बहुमत से तो 100 यज्ञ कर लो, नहीं तो फिर से सिंहासन डोल जाएगा, 100 यज्ञ कर लो सीट पक्की हो जाएगी। बलि ने कहा जो आज्ञा। नर्मदा नदी के किनारे बलि जी महाराज 100 यज्ञ करने लगे। अब तो इधर चिंता हो गई देवताओं की माता अदिति को कि उनके बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, देवता सारे, सिंहासन असुरों ने छीन लिया है। प्रार्थना करी तो कश्यप जी ने कहा कि पयो व्रत करो, दूध पी के 12 दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन आप अगर दूध पी के फाल्गुन माघ में मास में, तो ये पयो व्रत सिद्ध हो जाएगा और आप जैसा पुत्र चाहती हैं वैसा ही मिल जाएगा। ये व्रत हम आप में भी कोई भी कर सकता है, अगर मन चाहिए संतान चाहिए। माता ने किया और फिर ठाकुर उनके घर में वामन रूप में अवतार लिया है ठाकुर ने, बोले वामन भगवान की। और वामन भगवान जब वामन रूप में आए हैं तो 52 अंगुल के हैं उनका, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वामन भगवान ने, तो उनका यज्ञोपवीत होने की तैयारी होने लगी कि इनका मुंज संस्कार, मराठी में मुंज संस्कार बोलते हैं, मुंज यज्ञोपवीत संस्कार के लिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार जब वामन देव का हुआ तो उसमें अदिति माता ने लंगोटी दी, कश्यप जी ने मेखला दान करी, आकाश ने छाता दान किया, पृथ्वी माता ने पादुकाएं दी, सप्तऋषियों ने उनका बैठने का आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष दिया, कुबेर ने वो पात्र दिया भिक्षा का, और अन्न माता पार्वती अन्नपूर्णा मैया स्वयं भिक्षा के पात्र में डालने आई और अब उनसे कहा कि जाओ भिक्षा मांगो।
भिक्षा मांगने के लिए गए, सबसे भिक्षा मांगी तो देवताओं ने कहा और ऋषियों ने कहा कि हमको तो राज सिंहासन भिक्षा में ला के दो। वामन भगवान बोले हमें कौन देगा राज सिंहासन? बोले नहीं नहीं आपको तो यही करना पड़ेगा। बोलिए वामन भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। देखा है राजा बलि ने ये कौन नन्ना सा बालक, बामन अंगुल का 52 अंगुल हाथ से नापो, बामन अंगुल का ये कौन बालक है नन्ना सा। देखा उठ के खड़े हो गए तेज आभा देखकर, और ब्राह्मण बालक है, स्वागत किया बलि राजा ने, कहा आइए। तो बामन भगवान बोल रहे हैं हमने आपका बहुत नाम सुना है, आपके पिता विरोचन इतने बड़े दानी, और आपका तो पूरा खानदान प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के पिता विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, आपका तो पूरा खानदान बहुत बड़ा दानवीर है, ऐसे याद दिलाया बामन भगवान ने जब राजा बलि को। तो राजा बलि बोले सीधे सीधे बताइए क्या हम आपके लिए कौन सी सेवा कर सकते हैं। बामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी प्रशंसा सुनकर, आपकी दानवीरता सुनकर आपके दर्शन करने आए। बलि राजा बोले आप ब्राह्मण हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको बिना कुछ दान किए जाने दें। जब बहुत बलि राजा ने कहा तो बामन भगवान बोले हमें केवल 3 पग इनके पैर से, छोटे छोटे पैर से 3 पग भूमि का दान दे दो। अब तो बलि राजा बोले अपनी महाराज अपनी नहीं तो मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत देख लेते मैं राजा, आपके बिलस्त भर के पैर छोटे छोटे 3 पग भूमि में क्या होगा, आप थोड़ा कुछ ज्यादा मांगो। बामन भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, फिर से आए हैं भगवान छलने, एक बार बलि को मोहिनी रूप में छल चुके हैं असुरों को, अब बामन रूप में फिर से छलने आए हैं। कह रहे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। बलि राजा ने कहा ऐसा कैसे? बोले नहीं हमें सिर्फ 3 ही पग भूमि का दान चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं चाहिए। बहुत जब बार बार ऐसा हो रहा है कि बार बार बलि राजा कह रहे हैं नहीं ज्यादा मांगो, ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, तो शुक्राचार्य जी महाराज को संदेह हो गया, ये कैसा ब्राह्मण, इतना संतोषी ब्राह्मण। तुरंत आंख बंद करके ध्यान लगाया, देखा ये तो वही विष्णु है छलिया जो वामन रूप में अब बलि को छलने आया है। शुक्राचार्य जी ने तुरंत बलि को रोका, बलि संकल्प मत लेना। अभी बलि ने संकल्प नहीं लिया है, केवल हाँ बोली है कि हाँ हम आपको दान देंगे। शुक्राचार्य जी तुरंत गए, बलि दान मत देना, ये बामन न 53 ये छलिया विष्णु है, ये बामन वामन नहीं है। बलि बोले नहीं नहीं ये तो छोटे से बामन भगवान है। शुक्राचार्य जी बोले मैंने देख लिया। बलि भगवान बलि बोले अब तो मैंने हाँ कह दी, अब क्योंकि मैंने भले ही संकल्प ना लिया हो लेकिन मैंने इनको दान देने का हाँ कह दिया है, दान देने के लिए मैं अवश्य दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया बामन भगवान का असली रूप बताने का, तो बलि ने कहा कि यदि ये विष्णु हैं तो भी मेरे हाथ में लड्डू, और नहीं है तो भी मेरे हाथ में लड्डू। क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण बालक है तो 3 पग भूमि लेके चले जाएंगे,
और अगर विष्णु भगवान साक्षात हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या कि जो दुनिया को देते हैं उनको आज मैं दूंगा। ऐसा जब सुना शुक्राचार्य जी समझ गए ये नहीं मानेगा, विविध भांति से समझाने का प्रयास किया। बलि जब संकल्प लेने लगे, हाथ में जल लिया, तो शुक्राचार्य जी, यद्यपि ये पुराणांतर है, बृहन्नारदीय पुराण में इस कथा का उल्लेख है कि शुक्राचार्य जी कमंडल की कोटी में बैठ गए थे ताकि संकल्प ना हो पाए। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज ने क्या किया कि संकल्प के लिए जब जल आएगा नहीं तो बलि संकल्प ले नहीं पाएगा, इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की टोटी में बैठ गए। अब जल जजमान जल गिरा रहे हैं, जल ही नहीं आ रहा। वामन भगवान बोले, हम चले क्या, आप संकल्प नहीं करेंगे? बलि महाराज बोले, अरे रुकिए रुकिए, जल नहीं आ रहा है। बोले, हमें वो अपना कमंडल पुराना हो गया है। एक कुशा उठाई और उसके टोटी में ऐसे मारी और वो शुक्राचार्य जी की आंख में लगी। शुक्राचार्य जी का एक गेट बंद हो गया आंख का, एक दरवाजा बंद, और निकल के शुक्राचार्य जी कमंडल से भागे। कहने लगे, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमने बीच में आंख बेकारी फुड़वा ली, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। शुक्राचार्य जी चले गए और इधर बलि ने संकल्प किया और उनको तीन पग भूमि दान में जैसे ही कहा, संकल्प छोड़ा। अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बोलिए विराट भगवान की। एक पैर बढ़ाया ऊपर को, पूरा अंतरिक्ष भेदते हुए ब्रह्मांड की कटाह में छेद कर दिया अपने पैर के अंगूठे से, और जैसे ही छेद किया तो जल की धारा बह निकली जो भगवान के चरणों को धोती हुई। और जैसे ही इधर नीचे आ रही है वो धारा, तो ब्रह्मा जी ने देखा तो तुरंत कमंडल में भर लिया। ये विष्णु पदी वही गंगा जी, और आते आते नीचे भागीरथी गंगा ये पृथ्वी तक आई है, यही चार भागों में विभक्त होकर। दूसरे पैर से नीचे के सारे लोक भगवान ने नाप लिए, अब तो पूरा नप गया महाराज। देखिए छल किया ना, कितने छोटे बन के आए और पूरी संपत्ति हड़प ली, कितने छलिया है ये। और अब कह रहे हैं, तुमने तीन पग का संकल्प किया है, तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें अपराध लगेगा। बलि को डांट भी रहे हैं, तुमने ब्राह्मण से संकल्प किया तीन पग का और तीसरा पग रखने की जगह नहीं तुम्हारे पास। अब बलि ने सोचा क्या करे। बलि ने ध्यान किया, कहा ये बताओ धन बड़ा कि धनवान? ठाकुर जी बोले धनवान बड़ा। तो बोले, अभी तो आपने मेरा धन संपत्ति लिया, अभी मैं तो बाकी हूं, रख दो अपना तीसरा पग मेरे ऊपर। और ठाकुर जी ने तीसरा पग बलि पे रखा, और ठाकुर जी कहां तो उसका सब कुछ छीनने आए थे, लेकिन बलि का ऐसा उदार हृदय देखकर ठाकुर जी भी पिघल गए। बहुत बड़ी परीक्षा ली है ठाकुर जी ने बलि की, उससे सब कुछ छीनने आए, लेकिन जब बलि ने इतना बड़ा दान दे दिया तो ठाकुर जी ने कहा, तुम अगले मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक नहीं होता अगला मनमंत्र तब तक के लिए तुम सुतल लोक के राजा बनोगे, और कोई वरदान चाहिए तो और मांग लो। बलि ने कहा, ठाकुर जी हम केवल आपकी झांकी निहारते रहे सदैव, यही चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि तथास्तु, हम जब आप सुतल लोक के राजा बनोगे तो हम वहीं के द्वारपाल बनकर खड़े हो जाएंगे, आप आते जाते जब राजा जी जाएंगे तो ठाकुर के दर्शन कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आए थे छलने के लिए, लेकिन ठाकुर खुद ही लुट गए, वहीं के होके रह गए। ऐसा प्रेम ऐसी दानवीरता जब बलि की देखी, और बलि के दान से ही प्रसिद्ध हो गया बलिदान, इतना बड़ा दान, और उस पे भी बलि प्रसन्न है कि हमने जो दुनिया को खिलाते हैं हमने उनको दान किया। और बात महाराज यहीं पे नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। अब ठाकुर जी तो खड़े पहरेदारी दे रहे हैं बलि के यहाँ,
और बलि राजा सिंहासन पे और ठाकुर जी द्वारपाल बन के पहरे पे खड़े हैं सुतल लोक में। नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी मैया के पास झोली माला लेके। मैया अब आप ये पकड़ो, आपके पति देव ने विदेश में नौकरी कर ली है, अब वो नहीं आएंगे, अब आप तपस्या करो, आपके पति देव लौट के नहीं आएंगे। मैया बोली क्यों बताई नारद जी ने। मैया तुरंत आई, बोली अब क्या करें। नारद जी ने कहा देखो बलि के कोई बहन नहीं है, उपाय बता दिया। लक्ष्मी जी बोली समझ गई समझ गई। तुरंत वेश बदल के आई और ऐसे ही दुखी अवस्था में रास्ते में बैठ गई। बलि राजा उधर से निकल रहे थे, पूछा बहन क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो। लक्ष्मी मैया बोली रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे दुख हो रहा है, मैं किसको राखी बांधूंगी। बलि बोले बस इतनी सी बात, मुझे राखी बांध लेना, मेरे भी कोई बहन नहीं है, आपके भाई नहीं मेरे बहन नहीं। और लक्ष्मी मैया प्रसन्न और बलि जी बोले कि बहन बनी गई हो तो चलो घर चलो, वहीं पे कल हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। अब जब बलि महाराज लक्ष्मी जी को लेके आ रहे हैं द्वारपाल पे, देखा स्वामी जी खड़े हैं लक्ष्मी मैया ने। स्वामी जी ने कहा यहाँ कैसे। उन्होंने कहा जैसे आप आए हो हम भी यही नौकरी करने आ गए। चली गई बलि के साथ अंदर। अब बलि से कहा कि भैया, बलि ने पूछा कि अच्छा ये बताओ बहना, आप रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उपहार क्या लोगी, गिफ्ट क्या चाहिए आपको। लक्ष्मी मैया बोली सो तो मेरे पास सब कुछ है, बस मेरे पास एक द्वारपाल नहीं है, एक द्वारपाल की कमी है, बस वो ही दे दो आप। बलि को कुछ काला लगा दाल में। लक्ष्मी मैया बोली कि पहले महाराज आप संकल्प लो कि हम जो मांग रहे हैं द्वारपाल वो आप दे दोगे। अब बलि थर थर कांपे, बोले एक बार संकल्प लिया था, अब संकल्प मत दिलवाना। बोले नहीं संकल्प लो। बलि महाराज बोले देखो बात की बात है, हमने कह दिया, अब वही संकल्प हो गया, आपको द्वारपाल चाहिए हम दे देंगे, लेकिन एक बात सच सच बताओ आप हो कौन। तब लक्ष्मी मैया अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली मैं लक्ष्मी हूँ। और तब बलि बोले तुम दोनों पति पत्नी महा ठगिया हो, एक ने मोहिनी बन के छला मुझे, फिर बामन बन के छला मुझे, अब दूसरी ने ऐसे छला, कोई बात नहीं। लेकिन बलि ने कहा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि पूरी दुनिया दो ही लोगों से मांगती है, या तो लक्ष्मी जी से या तो नारायण जी से। मैंने नारायण को दान किया पहले तो, और लक्ष्मी माता को नारायण का दान किया, मुझसे बड़ा दानी कौन होगा। बोलो बलि की, राजा बलि की जय हो। तो ऐसे भक्तवत्सल हमारे ठाकुर हैं कि राजा बलि को जैसे ये उच्च ये श्रेय दिलाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला करते हैं। ऐसी लीला न करते तो कौन जान पाता कि बलि का हृदय कितना उदार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर ठाकुर की मधुर मधुर लीलाएं हैं। नवम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय है, 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन किया गया है। इसी सूर्य वंश में ही हमारे राम जी आए हैं और चंद्र वंश में हमारे ठाकुर जी आए हैं। परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव महाप्रभु ने सूर्य वंश का वर्णन किया कि ब्रह्मा जी की नाभि कमल से, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, और मरीचि की आगे संतानें हुई, और इन्हीं के कुल में विवस्वान जो सूर्य देव हैं,
इन्हीं सूर्य देव से जो आगे वंश चला वो हो गया सूर्य वंश। और प्रायः देखा गया कि सूर्य वंश में संतान प्राप्ति की समस्या बनी ही रही, सबको संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना ही पड़ा। आप देखिए सूर्य वंश में वशे यहाँ पे राजा दशरथ जी ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो मनु महाराज को भी, ये सूर्य वंश में है, मनु महाराज को भी संतान नहीं हो रही थी, इन्होंने यज्ञ करवाया पुत्रेष्टि यज्ञ, और इन्होंने ब्राह्मणों से कहा ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्र हो। लेकिन इनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो, अगर पुत्री हुई तो हम बहुत ज्यादा दक्षिणा देंगे। ये पहली देवी है भारत की जो पुत्री के लिए लड़ी है, इनको पुत्री की चाह थी, पुत्र की नहीं। अब तो ब्राह्मणों ने दक्षिणा जब बढ़ के मिल रही है तो वो ही मंत्र पढ़े कि पुत्री का जन्म हो गया। अब जब महाराज को सूचना मिली कि पुत्री का जन्म हुआ है, दौड़े गए वशिष्ठ जी के पास, कहने लगे आपसे हमने कहा था पुत्र। वशिष्ठ जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, चलो पूछते हैं ब्राह्मणों से। पूछा गया तो पता चला कि महारानी ने कहा था। अब तो राजा बोले हम कुछ नहीं जानते, हमें पुत्र ही चाहिए, यह पुत्र हुई कैसे। वशिष्ठ जी बोले अब हम क्या कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब ज्यादा जिद करी तो वशिष्ठ जी बोले, शिव जी का ध्यान किया और उसी पुत्री को पुत्र बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आपको कथा सुनने में ये कपोल कल्पित लग रही होगी, आज जो साइंस ने हमारे यहाँ तरक्की करी है, आप देखेंगे आउट ऑफ इंडिया जाएंगे ट्रांसजेंडर बहुत घूम रहे हैं, ये साइंस ने तरक्की कर ली है। आज जो खोज रहे ऋषि मुनि बहुत पहले करके आ गए, तो ये करा और इस प्रकार से फिर यद्यपि मनु महाराज के आगे पुत्र हुए, इन्हीं से ही आगे वंश बढ़ा, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ, इन्हीं के ही वंश में युवनाश हुए, फिर वही संतान की समस्या। इन्होंने भी यज्ञ कराया और इन्होंने क्या किया, जब यज्ञ संपन्न होने को आया था, एक दिन बाद ही यज्ञ संपन्न होने को आया, तो रात में उठे, इनको बहुत जोर की प्यास लगी थी, यज्ञशाला में घड़े में जल रखा था वो ही उठा के, इनको कुछ नहीं दिखा, वो ही जल पी लिया। अब जब सुबह सारे पंडित आचार्यों ने पूछा कहाँ गया वो मटके का जल, बोले वो तो मैं पी गया। बोले ये क्या किया, वो अभिमंत्रित जल हम लोग रोज यज्ञ कर करके डाल रहे थे कि वो रानी जी पिएंगी और आपको पुत्र होगा, अब तो आपने पी लिया महाराज, तो अब वो राजा जी गर्भवती नहीं गर्भवता हुए। और इसका भी अगर जिन्होंने सुना होगा कभी कि ये भी हो चुका है, साइंस ये भी कर चुकी है। और फिर उन्हीं से हुए मान धाता, क्योंकि माँ तो कोई है नहीं, तो इंद्र जी आए और उन्होंने अपनी उंगली दी, उन्हीं का नाम पड़ा मान धाता। और इस प्रकार से विविध भांति से सूर्य वंश का वर्णन किया, इन्हीं में आए अज रघु, अज और उनके बेटे दशरथ। और एक बात और, इन्हीं इसी वंश की है राधा रानी हमारी, सूर्य वंश की।